गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। क्या नाम है? लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या देखेंगे? ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो अगर पहले अगर हम नॉन लिविंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? नॉन लिविंग की बात करते हैं, तो उसकी यूनिट देखते हैं। किसी नॉन लिविंग कोई भी मैटर है, अगर उसका फॉर्मेशन हुआ है तो किससे हुआ है, और जिससे हुआ होगा उसको क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। तो अगर नॉन लिविंग की यूनिट की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं यूनिट ऑफ नॉन लिविंग, तो वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। एटम के भी आगे 3 पार्ट्स होते हैं। एटम के भी कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। एक कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। एक कौन सा होता है? प्रोटॉन। और एक कौन होता है? न्यूट्रॉन। ठीक है, अभी हम नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं, निर्जीव की बात कर रहे हैं। नॉन लिविंग की यूनिट मतलब नॉन लिविंग में सबसे छोटा, यूनिट का मतलब सबसे छोटा। नॉन लिविंग में सबसे छोटा क्या होता है? एटम। एटम से छोटा कुछ भी नहीं होता है। और एटम के भी कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये बात थी नॉन लिविंग की। अब बात करते हैं लिविंग की। इसकी बात करते हैं, लिविंग की बात करते हैं। तो अगर मैं लिविंग की बात करूं, तो लिविंग में जो यूनिट होती है, लिविंग में जो सबसे छोटा होता है, लिविंग की जिसको यूनिट कहा जाता है, लिविंग में जो सबसे छोटा होता है उसे कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल, कोशिका। लिविंग की यूनिट सेल, नॉन लिविंग की यूनिट एटम। एटम के लिए कौन से पार्ट होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वैसे ही सेल के भी आगे बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना क्या है? लिविंग पढ़ना है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस। क्या नाम है? लाइफ प्रोसेस। तो हम लिविंग ही देखेंगे, नॉन लिविंग नहीं पढ़ेंगे। नॉन लिविंग हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सेल की बात कर ली। अब देखो, लिविंग का फॉर्मेशन हुआ बहुत सारी, लाखों करोड़ों, किससे मिलकर हुआ है? सेल से मिलकर हुआ है। बहुत सारी सेल्स आपस में मिली, तब जाकर किसका फॉर्मेशन हुआ? टिश्यू का हुआ। किसका हुआ? टिश्यू का। कब तक का हुआ? बहुत सारे टिश्यू आपस में मिले तब जाकर किसका फॉर्मेशन हुआ? ऑर्गन का हुआ। किसका हुआ? ऑर्गन का, अंग का हुआ। बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिले, ज्वाइंट हुए, ऐड हुए, तब जाकर क्या बना? सिस्टम बने। क्या बने? सिस्टम बने, तंत्र बने। और जब 11 सिस्टम आपस में तोड़े, जब जाकर ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, मनुष्य के शरीर का क्या हुआ? निर्माण। ठीक है, लिविंग की बात करते हैं। किसी भी अगर हम सजीव की बात करते हैं, किसी भी अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, किसी सजीव की बात करते हैं, तो उसकी बॉडी में सबसे छोटा, सबसे छोटे को क्या कहते हैं? यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट। उसकी यूनिट क्या होती है? सेल। क्या होती है? सेल। बहुत सारी सेल्स आपस में मिली, ऐड हुई, क्या बनाया उन्होंने? टिश्यू बनाया, उत्तक बनाया। बहुत सारे टिश्यू आपस में ऐड हुए, उन्होंने क्या बनाया? ऑर्गन बनाया, अंग बनाया। बहुत सारे अंग आपस में जुड़े, उन्होंने क्या बनाया? सिस्टम बनाया, तंत्र बनाया। बहुत सारे सिस्टम मतलब 11 सिस्टम आपस में जुड़े, तो उन्होंने क्या बनाया? बॉडी। क्या बनाई? बॉडी। और बॉडी का मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाया। क्या बनाया? लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाया। ऐसे फॉर्मेशन होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक बॉडी का फॉर्मेशन ऐसे होता है, जिसमें सबसे डेवलप लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सजीवों में जो सबसे डेवलप है, सजीवों में जो सबसे डेवलप है वो कौन है? ह्यूमन है। कौन है? ह्यूमन है। ठीक है, ह्यूमन से डेवलप कुछ भी नहीं है। तो ह्यूमन की बॉडी की भी यूनिट क्या हुई? सेल। क्या हुई? सेल हुई। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम के बारे में लिखिएगा, कौन कौन से सिस्टम है हमारी बुक्स में। देखो, एक सिस्टम कौन सा है हमारी बुक में? डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम है हमारी बुक में वो कौन सा है? रेस्पिरेटरी। तीसरा जो सिस्टम हमारी बुक में दे रखा है सर्कुलेटरी। ठीक है, फिलहाल इन पर फोकस करेंगे। तो कौन कौन से सिस्टम पढ़ेंगे हम? डाइजेस्टिव, पाचन तंत्र पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र।
रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम रक्त परिसंचरण तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र, ये सारे सिस्टम हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें किसको देखते हैं, सर्कुलेटरी को। किसको देखते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम को, रक्त परिसंचरण तंत्र को देखते हैं। कौन सा सिस्टम? रक्त परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेट क्या होगा? ब्लड होगा। क्या होगा? ब्लड होगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो फॉर्मेशन हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किस किस से मिलकर हुआ है? देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन एक तो किससे मिलकर हुआ है? हार्ट से। किससे हुआ है? हार्ट से। और सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन किससे हुआ है? ब्लड से। किससे हुआ है? ब्लड से। और जो तीसरा पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो तीसरा पार्ट है वो है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, हार्ट पहला पार्ट, दूसरा ब्लड, तीसरा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का मतलब खून की नलियां। ब्लड जिन फाइन वेसल्स में फ्लो करता है, बहता है, उन्हें कहते हैं ब्लड वेसल्स। क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स। अब तीनों में से एक एक पार्ट को लेकर चलेंगे हम। ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? हार्ट पढ़ेंगे। तो एक स्मॉल इंट्रोडक्शन किसका लेके चलेंगे हम? ब्लड का लेके चलेंगे। पहले किसको लेके चलेंगे? ब्लड को, फिर ब्लड वेसल्स और हार्ट। और सिस्टम कौन सा पढ़ रहे हैं हम? सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो फर्स्ट क्या लेंगे? ब्लड लेंगे। इसकी बात करते हैं ब्लड की। तो पहली बात तो ब्लड होता क्या है? एक सिंपल अगर हम डेफिनेशन दे दो, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन हुई? ब्लड की सिंपल डेफिनेशन हो गई। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, एक तरल संयोजी ऊतक है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक सजीव के शरीर में। अब ब्लड के पार्ट कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। ब्लड की किसकी बात करते हैं? पार्ट्स की बात करते हैं। ब्लड में जो 55% पार्ट आते हैं, ब्लड में भी, ब्लड को 100% मान के चलते हैं, ब्लड में जो 55% पार्ट होता है वो कहलाता है प्लाज्मा। ब्लड का 55% भाग पार्ट क्या कहलाता है? प्लाज्मा। ब्लड में 45% जो पार्ट होता है, ब्लड में 45% जो पार्ट होता है वो कहलाता है ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पल्स। ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पल्स। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, 55% पार्ट को देखते हैं, प्लाज्मा को देखते हैं। प्लाज्मा के भी दो पार्ट होते हैं। प्लाज्मा के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। देखें 90% प्लाज्मा में जो 90% होता है वो वाटर होता है, H2 होता है। प्लाज्मा का 90% क्या हुआ? H2। तो रिमेनिंग पार्ट कितना हुआ? 10%। ये 10% हो गए। अब इस 10% में क्या क्या होता है वो हम देखें। ये जो 10% है प्लाज्मा का, जो 10% है उसके बारे में देखेंगे। प्लाज्मा का 90% तो क्या हुआ? H2। अब इस 10% में क्या क्या होता है? इस 10% में होता है प्रोटीन, प्रोटीन के साथ होता है सोडियम, सोडियम के साथ होता है कैल्शियम, फिर होता है ग्लूकोज, फिर होते हैं हार्मोन्स। ये किसकी स्टोरी है? 10% की। 10% भाग में प्रोटीन, सोडियम, कैल्शियम, ग्लूकोज, हार्मोन्स। 10% किसका? प्लाज्मा का। प्लाज्मा का 90% कितना हुआ? या प्लाज्मा का जो 90% है उसमें क्या होता है? H2। क्या होता है? H2। प्लाज्मा खुद कितना परसेंट है? 55% है। किसका? ब्लड। ब्लड का 55% हुआ प्लाज्मा, ब्लड का 45% हुआ ब्लड सेल्स। तो ये तो छोटी सी स्टोरी किसकी थी? प्लाज्मा की। अब मैं प्लाज्मा के कलर की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? प्लाज्मा के। अगर मैं कलर की बात करता हूं,
तो प्लाज्मा का जो कलर होता है, प्लाज्मा का जो कलर होता है वो कैसा होता है? येलो। क्या होता है? येलो। प्लाज्मा का कलर हुआ येलो। प्लाज्मा ब्लड का 55% भाग, प्लाज्मा का 10% भाग प्रोटीन, सोडियम, कैल्शियम, ग्लूकोज, हार्मोन्स, और इसमें नॉन कार्बनिक भी होता है, नॉन कार्बनिक पार्ट जिसमें कार्बन नहीं होता है। प्लाज्मा का ही 90% भाग H2। ठीक है, ये हो गया प्लाज्मा। ये क्या हुआ? प्लाज्मा। अब बात हम किसकी करेंगे? 45% भाग की, ब्लड का 45% भाग ब्लड सेल्स। इसके तीन पार्ट करते हैं। इसके कितने पार्ट करते हैं? तीन पार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या कहलाता है? आरबीसी। क्या कहलाता है? आरबीसी। आरबीसी फुल फॉर्म आरबीसी की रेड ब्लड सेल्स, फुल फॉर्म आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। अगर आरबीसी नाम भी नहीं मिला, अनदर नेम ऑफ आरबीसी, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ आरबीसी? एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का अनदर नेम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। दूसरा पार्ट लेके चलते हैं हम, सेकेंड पार्ट, ब्लड सेल्स का सेकेंड पार्ट। ब्लड सेल्स का सेकेंड पार्ट है WBC। WBC फुल फॉर्म WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। अनदर नेम ऑफ WBC, अनदर नेम ऑफ WBC, ल्यूकोसाइट्स। WBC का अनदर नेम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। थर्ड पार्ट ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स का फर्स्ट पार्ट क्या था? आरबीसी। अनदर नेम ऑफ आरबीसी? एरिथ्रोसाइट्स। ब्लड सेल्स का सेकंड पार्ट क्या था? WBC। अनदर नेम ऑफ WBC? ल्यूकोसाइट्स। ब्लड सेल्स का थर्ड पार्ट क्या है? ब्लड सेल्स का थर्ड पार्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स नाम अगर कहीं नहीं मिला, प्लेटलेट्स नाम अगर कहीं नहीं मिला तो क्या मिलेगा? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या मिलेगा? थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड सेल्स का, प्लेटलेट्स का अनदर नेम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड सेल्स थर्ड पार्ट हो गया, ब्लड सेल्स सेकंड पार्ट हो गया, ब्लड सेल्स फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, ये 45%, ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन है। किसका है? ब्लड का है। किसका है? ब्लड का। एक बार दोबारा देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो हमने पहले क्या कहा? हम सिस्टम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा? सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। उसमें एक भाग था ब्लड। क्या था? ब्लड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लड? तो ब्लड की डेफिनेशन क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ब्लड के पार्ट्स की बात करते हैं, ये डेफिनेशन हो गई। अब ब्लड की किसकी बात करते हैं? पार्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो ब्लड के कितने पार्ट होंगे? दो पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे? दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट, ब्लड का पहला पार्ट होता है प्लाज्मा। ब्लड का पहला पार्ट होता है प्लाज्मा। ब्लड का दूसरा पार्ट, ब्लड का दूसरा पार्ट होता है ब्लड सेल्स। ब्लड का दूसरा पार्ट क्या होता है? ब्लड सेल्स। प्लाज्मा 55% भाग होता है ब्लड का, ब्लड सेल्स 45% भाग होता है। प्लाज्मा के दो पार्ट करें, प्लाज्मा के कितने पार्ट करें? दो पार्ट करें। 10% जो पार्ट होता है प्लाज्मा का, उसमें प्रोटीन, सोडियम, कैल्शियम, ग्लूकोज, हार्मोन, नॉन कार्बनिक। प्लाज्मा का जो 90% पार्ट होता है वो H2 होता है। ब्लड सेल्स की बात करते हैं, ब्लड सेल्स 45% भाग होता है ब्लड का। ब्लड सेल्स के कितने पार्ट कर दिए? तीन पार्ट कर दिए। फर्स्ट पार्ट क्या है? आरबीसी। क्या है? आरबीसी, फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। अनदर नेम ऑफ आरबीसी? एरिथ्रोसाइट्स। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट इज डब्ल्यूबीसी, सेकंड पार्ट इज डब्ल्यूबीसी। अनदर नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी? ल्यूकोसाइट्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूबीसी? व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। थर्ड पार्ट होता है प्लेटलेट्स, थर्ड पार्ट होता है प्लेटलेट्स। अगर ऐसा हुआ कि प्लेटलेट नाम कहीं नहीं मिला, प्लेटलेट नाम अगर नहीं मिला तो अनदर नेम क्या होगा? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होगा? थ्रोम्बोसाइट्स। ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन हुआ, ये पार्ट्स वाइज सिंपल इंट्रोडक्शन हुआ। किसका हुआ? ब्लड का। ठीक है, अब थोड़ा बहुत हम आगे चलते हैं, हार्ट के बारे में देखते हैं।
अब हम ये वर्ड समझते हैं ब्लड वेसल्स क्या होता है। ब्लड का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, अब ब्लड वेसल्स देखते हैं। ब्लड वेसल्स क्या होता है? वेसल्स इन विच ब्लड फ्लोस। रक्त जिन या खून जिन पतली नलियों में बहता है उन्हें क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियां। तो वेसल्स इन विच ब्लड फ्लो, वे नलियां जिनके अंदर खून क्या करता है, ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है, उन्हें कहते हैं ब्लड वेसल्स। अब टाइप देखते हैं कितने टाइप की होती है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती है, खून की नलियां कितने टाइप की होती है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। फर्स्ट आर्टरी एंड सेकेंड इज वेन। पहली क्या होती है? धमनी। दूसरी क्या होती है? शिरा। इंग्लिश क्या बोलोगे? आर्टरी। नेक्स्ट क्या होती है? वेन। आर्टरी के बारे में देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं, आर्टरी के बारे में देखते हैं, और उसके बाद इसके बारे में देखेंगे, वेन के बारे में देखेंगे। तो आर्टरी में पहला पॉइंट, आर्टरी के अंदर कैसा ब्लड फ्लो करता है। आर्टरी एक खून की नली है, आर्टरी इज ब्लड वेसल्स। आर्टरी के अंदर ब्लड कैसा फ्लो करता है, तो आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है उस ब्लड के साथ कौन सी गैस ऐड रहती है? O2। कौन सी गैस ऐड रहती है? O2 गैस है। ब्लड प्लस O2 को ही एक वर्ड प्योर, ब्लड प्लस O2 के लिए ही कौन सा वर्ड काम में आता है? प्योर ब्लड काम में आता है। प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है? ब्लड प्लस में O2, ब्लड प्लस O2 किसमें बहती है? आर्टरी। किसमें बहती है? किसमें फ्लो करती है? आर्टरी में। जस्ट अपोजिट वेन की बात करते हैं, तो वेन के अंदर ब्लड प्लस में CO2 फ्लो करता है। ठीक है, वेन एक ऐसी ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर ब्लड के साथ कौन सी गैस फ्लो करेगी? CO2। और ब्लड प्लस CO2 के लिए, ब्लड प्लस CO2 के लिए एक वर्ड काम में लिया जाता है जिसे कहते हैं इम्प्योर ब्लड। जिसे क्या कहते हैं? इम्प्योर ब्लड। तो 99% वेन, 99% वेन में ब्लड प्लस CO2 फ्लो करेगा। 99% वेन में ब्लड प्लस CO2 फ्लो करेगा। इसका एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। पल्मोनरी वेन, इसका एक एक्सेप्शन है। क्या है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड फ्लो करता है? मैंने कहा है 99% वेन में ब्लड प्लस CO2 फ्लो करेगा। ठीक है, ब्लड प्लस CO2 जिसको इम्प्योर ब्लड कहते हैं। लेकिन एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के अंदर ब्लड प्लस में O2, पल्मोनरी वेन के अंदर ब्लड प्लस में O2 फ्लो करेगा। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलेंगे? प्योर ब्लड। इसे ही हम क्या बोलेंगे? प्योर ब्लड। अब 99% आर्टरी ऐसी है जिसमें ब्लड प्लस O2 फ्लो करेगा। 99% आर्टरी ऐसी है जिसमें ब्लड प्लस O2 फ्लो करेगा। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड के साथ कौन सी गैस फ्लो करेगी? पल्मोनरी आर्टरी के साथ ब्लड के साथ CO2 फ्लो करेगी। बाकी 99% आर्टरी में ब्लड के साथ O2 फ्लो करेगी। 99% वेन में ब्लड के साथ CO2 फ्लो करेगी। लेकिन एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी में। पल्मोनरी वेन में ब्लड के साथ O2 फ्लो करेगी। ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन है, ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन है किसका? ब्लड वेसल्स का। किसका? ब्लड वेसल्स का। एक बार दोबारा देखिए, वेसल्स इन विच ब्लड फ्लोस, वे नलियां जिनके अंदर खून बहता है उन्हें कहते हैं रक्त रुधिर वाहिनियां या खून की नलियां। कितने टाइप की होती है ब्लड वेसल्स? ब्लड वेसल्स दो टाइप की होती है। कितने टाइप की? दो टाइप की होती है। एक होती है आर्टरी, धमनी।
दूसरी होती है वेन शिरा। आर्टरी के अंदर कैसा खून बहता है? ब्लड प्लस में O2। खून के साथ कौन सी गैस जुड़ी रहती है? O2 जुड़ी रहती है। जब खून के साथ ऑक्सीजन गैस जुड़ जाती है तो वो ब्लड कौन सा ब्लड कहलाता है? प्योर ब्लड कहलाता है। एक अपवाद है, एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर O2 गैस न मिलकर कौन सी गैस मिलेगी? CO2। कौन सी गैस मिलेगी? CO2। इसलिए ये एक्सेप्शन है। वेन की बात करते हैं, वेन के अंदर ब्लड के साथ कौन सी गैस ऐड रहती है? CO2। कौन सी रहती है? CO2। जब ब्लड के साथ CO2 गैस ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, तो ऐसे ब्लड के लिए एक संज्ञा होती है, ऐसे ब्लड के लिए एक नाउन काम में लिया जाता है जिसे कहते हैं इंप्योर ब्लड। इसमें भी एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वेन में ब्लड के साथ CO2 ना होकर क्या होगी? O2। क्या होगी? O2। और ऐसे ब्लड को क्या कहा जाता है? प्योर ब्लड। क्या कहा जाता है? प्योर ब्लड। ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन हुआ, किसका हुआ? ब्लड वेसल्स का हुआ। इससे पहले हमने किसका इंट्रोडक्शन करा था? ब्लड का पढ़ा था। अब लास्ट पार्ट आता है हार्ट। कौन सा आता है? हार्ट। तो सिस्टम हम पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके हमने तीन पार्ट लिए हैं। कौन कौन से लिए थे? हार्ट लिया था और ब्लड, ब्लड के साथ ब्लड वेसल्स। ठीक है, किस किस का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं हम? ब्लड का एंटर हो गया, ब्लड वेसल्स का एंटर हो गया, लास्ट पार्ट क्या बचा हमारा? हार्ट। क्या बचा हमारा? हार्ट। अब हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो हार्ट के पहले तो ये बात करते हैं, वेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वेट की बात करते हैं। लोकेशन, वेट सब पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हार्ट की अगर वेट की हम बात करें तो मेल के अंदर, इसके अंदर मेल के अंदर और इसके अंदर फीमेल के अंदर वेट कितना होता है? हार्ट का वेट अलग अलग होता है, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। मेल में अगर हम हार्ट के वेट की बात करें तो 300, फीमेल में अगर हम बात करें तो 250। फीमेल में कितना? 250। ठीक है, ये वेट हो। लोकेशन की बात करें अगर हम इसके, सिचुएशन लोकेशन जहां पे लोकेट रहता है हमारी बॉडी में, तो हार्ट हमारी बॉडी में कहां लोकेट होता है? हार्ट हमारी बॉडी में कभी भी कंप्लीटली लेफ्ट हैंड साइड में नहीं होता। बिल्कुल गलत। अगर ये आंसर दिया जाता है कि हार्ट हमारी बॉडी में कंप्लीटली लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो बिल्कुल गलत। हार्ट कहां होता है? स्लाइटली लेफ्ट हैंड साइड। हल्का सा कहां झुका रहता है? बाई तरफ। हल्का सा लेफ्ट साइड झुका रहता है। अब अगर ग्लैंड की बात करते हैं, कौन सी ग्लैंड हमारे हार्ट के फ्रंट पे स्थित होती है? कौन सी ग्रंथि हमारे हृदय के आगे स्थित होती है? तो थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? थाइमस ग्लैंड। हार्ट के वेट की बात करेंगे तो मेल के अंदर 300 ग्राम, फीमेल के अंदर 250 ग्राम। हार्ट के लोकेशन की बात करेंगे तो स्लाइटली लेफ्ट हैंड साइड, ना कि कंप्लीटली, स्लाइटली लेफ्ट हैंड साइड, हल्का सा बाई तरफ झुका रहता है। ग्लैंड की बात करें कि हार्ट के फ्रंट पे कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, तो कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? थाइमस। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? थाइमस। और अगर शेप की हम बात करें तो कॉनिकल शेप बता दिया जाता है। कैसा शेप बता दिया जाता है? कॉनिकल शेप बता दिया जाता है। अब अगर वर्क की बात करें तो मेन वर्क क्या बताया जाता है? हार्ट कभी भी ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करता। हार्ट कभी ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करता। हार्ट का जो काम है सिर्फ और सिर्फ ब्लड पंप्स। ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है। अभी मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा, चार्ट के थ्रू
लेकिन अभी सिंपल इंट्रोडक्शन समझो, ठीक है ना। वेट ये हो गया, लोकेशन हो गया, ग्लैंड हो गया, शेप हो गया, वर्क हो गया। अब देखो सर्कुलेट कैसे करता है ब्लड। लंग्स एक सिंपल सा चार्ट समझेंगे जिससे समझ में आ जाएगा कि हमारा जो हर्ट है वो ब्लड को कैसे पंप करता है। लंग्स के बाद लिखेंगे हम टिश्यू, लंग्स के बाद क्या लिखेंगे टिश्यू। अब हर्ट बनाते हैं, ठीक है। हर्ट वो जो हमारे काम आएगा लेफ्ट, हमारे हर्ट में लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर वाला जो पार्ट होता है, हेड में लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। क्या कहते हैं? लेफ्ट एट्रियम। हेड में ऊपर की तरफ लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट एट्रियम, नीचे की तरफ लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल। हेड का ऊपर की तरफ राइट वाला पार्ट राइट एट्रियम, हर्ट का नीचे की तरफ राइट वाला पार्ट राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखो सिंपल एक स्ट्रक्चर। ये हर्ट, ठीक है, चार्ट में समझाने के लिए मैंने ये बनाया, ये हमारा हर्ट है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये जो पार्ट है ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो पार्ट है ये है हमारा राइट एट्रियम, ये वाला पार्ट है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, एक सिंपल स्ट्रक्चर है, लेकिन जब भी हम समझेंगे इसके पंपिंग सिस्टम को समझेंगे, इसके सर्कुलेट सिस्टम को समझेंगे, तो हम हर्ट को ऐसे बनाएंगे। ये हो गया लेफ्ट एट्रियम ऊपर वाला, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर वाला पार्ट, हमारे हेड में लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर वाला पार्ट लेफ्ट एट्रियम, हार्ट का लेफ्ट हैंड साइड में नीचे वाला पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट का ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड वाला पार्ट राइट एट्रियम, नीचे की तरफ राइट वाला भाग राइट वेंट्रिकल। ये सिंपल स्ट्रक्चर यहां से ध्यान रखिएगा। अब पंपिंग सिस्टम को समझते हैं। यहां से एक ब्लड वेसल्स आती है, ये ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर ब्लड है, ठीक है, वो ब्लड को यहां से यहां ड्रॉप करती है, फिर यहां से एक ब्लड वेसल्स आती है, वो ब्लड को यहां लेकर आती है, फिर यहां से ब्लड जाएगा ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड वापस किसमें जाता है, लंग्स में जाता है। किसमें जाता है? लंग्स में जाता है। ये जो मैंने ऐसे लाइंस बनाई हैं, ये ब्लड वेसल्स है। क्या है ये? ब्लड वेसल्स। अभी हमने पढ़ा था ब्लड वेसल्स टू टाइप्स की होती है, आर्टरी और वेन। इस ब्लड वेसल्स में कैसा ब्लड होता है? इस ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होता है वो ब्लड प्लस में O2 होता है। इस ब्लड वेसल्स में जो ब्लड भरा हुआ है वो भी क्या है? ब्लड प्लस में O2। ब्लड प्लस में फोटो। यहां से जो ब्लड निकला है, यहां से ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड जा रहा है, कहां जा रहा है? राइट एट्रियम में। इसमें कैसा ब्लड है? ब्लड प्लस में CO2। ब्लड कहां पर आ गया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड कहां पर आया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड कहां पर जाएगा? लंग्स में। इसमें कैसा ब्लड है? ब्लड प्लस में CO2। ठीक है, चार ब्लड वेसल्स हैं। फर्स्ट ब्लड वेसल्स में ब्लड प्लस में O2, सेकंड में भी ब्लड प्लस में O2, थर्ड में ब्लड प्लस में CO2 और फोर्थ में भी ब्लड प्लस में CO2। ये तो इनके अंदर जो ब्लड है उसकी कंडीशन बताइए कि कौन सी गैस जुड़ी हुई है। इन दोनों के साथ जो गैस ऐड है वो O2 है, यहां पर और यहां पर ब्लड के साथ जो गैस ऐड है वो कौन सी है? CO2 है। अब इनका क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं। तो वो ब्लड वेसल जो ब्लड को लंग्स से लेकर कहां पर आती है? लेफ्ट एट्रियम में आती है। इस ब्लड वेसल्स का नाम क्या है? इस ब्लड वेसल्स का नाम है
पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन, क्या नाम है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करती है? पल्मोनरी वेन ब्लड प्लस O2 को लंग्स से लाती है। ब्लड प्लस O2 को लंग्स से कहां पर लेकर आती है? लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती है। ठीक है, अब इस वाले का नाम देखते हैं। वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को राइट वेंट्रिकल से कहां पर लेकर जाती है? लंग्स में लेकर जाती है। कहां पर लेकर जाती है? लंग्स में। इसका नाम क्या है? पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।